नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैच के पिछले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 14 देख रहे थे और उसमें यूनिट प्लेस पता करने का कुछ ट्रिक देख रहे थे, ठीक ना। इकाई का स्थान कैसे पता करें, एक दो क्वेश्चन किए थे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। जैसे क्वेश्चन है 93717, इसका पावर है 9315681। देखिए, इतना बड़ा नंबर देख के आपको लगता होगा कैसे पता करेंगे, ठीक ना, इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा। लेकिन जो मैंने बताया था कैटेगरी याद है कि 0156 हमेशा सेम रहेगा, 248 के वंस प्लेस पे 6 आएगा, कब, यदि पावर 4 से डिविजिबल हो। और फिर बचा क्या, 379, तो 379 के वंस प्लेस पे हमेशा 1 आएगा, कब, जब पावर 4 से डिविजिबल हो। और 4 से डिविजिबिलिटी का, विभाज्यता का जो नियम है वो क्या है, अंतिम दो अंक मतलब इकाई और दहाई, वंस प्लेस और टेंस प्लेस से बनी संख्या को देखते हैं। यदि वो 4 से डिविजिबल है या दोनों अंक 0 है तो 4 से डिविजिबल होगा। तो पावर देखते हैं हम लोग, पावर क्या है, ये 81 है, 4 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि 80 होता पावर तब तो 4 से डिविजिबल होता, तब वंस प्लेस पे क्या आता, 1 आता कि नहीं, क्योंकि 379 के वंस प्लेस पे 1 आता है, कब, जब उसका पावर 4 से डिविजिबल हो। तो यहां 81 के बदले 80 होता तो इसके वंस प्लेस पे क्या आता, 1 आता। लेकिन 81 है, इसका मतलब कि एक बार ये जो भी नंबर यहां आएगा वंस प्लेस पर तो 1 आएगा ही आएगा, और एक बार और ये नंबर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वंस प्लस पे क्या है, 7 है, क्योंकि वंस का वंस से गुना होता है ना, इकाई के इकाई से गुना होता है ना, तो ये 7 है इसके वंस प्लस पे, है ना, इसके वंस प्लस पे। और 1 और 7 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 7 होगा, इसका मतलब इसके इकाई स्थान पर 7 आएगा, ठीक ना। ऐसे हम इकाई स्थान निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 2738 का पावर, यही पे देख लेते हैं, 2738 का पावर है 291424। चलिए, ये किस कैटेगरी में है, 248 वाले में है, और उसका इकाई स्थान पर क्या आता है, 6 आता है, कब, जब पावर 4 से डिविजिबल हो। तो अंतिम दो अंक देखिए, 24 4 से डिविजिबल है तो इकाई स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा, आंसर है ना, सीधी बात, सीधी बात है, बहुत आसान है। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, उसके बाद कुछ और ट्रिक्स बताएंगे। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, 37192, ये सब एग्जाम में आया हुआ है, 37192, और इसका पावर है 3714527, 3714527। अब देखिए, इकाई स्थान पर क्या है, 2 है, फिर वही 248 के कैटेगरी में इकाई स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा, कब, जब पावर 4 से डिविजिबल होगा, तब। पावर देखिए 27 है, यदि यह 24 होता तो 4 से डिविजिबल होता, 4 6 24, 4 6 24, मतलब 3 बार और ज्यादा है, तो 24 होता तो क्या आता, इकाई स्थान पर 6 आता, और फिर 3 बार आएगा और ज्यादा है, तो हर 3 बार में ये इकाई अंक आएगा, फिर ये इकाई अंक आएगा, फिर ये इकाई अंक आएगा, जो भी वो होगा उससे, तो क्या होगा, ये
ये 8 और 6 48 और नहीं हुआ, इकाई अंक क्या है? 8 है, आंसर आपका 8। और देखते हैं 2437 8 4 2437 8 4, इसका पावर दिया है 2917 2 4 2917 2 4 3 1 4 3 1 4। चलिए ये भी 2 4 8 के कैटेगरी में, 1 प्लस पे 4 है तो इकाई स्थान पर 6 आएगा। कब? यदि पावर 4 से डिविजिबल हो तब। यदि यहां 12 होता 14 के बदले में तो इकाई स्थान पर 6 आता, लेकिन 14 है मतलब दो बार और ज्यादा, मतलब ये संख्या दो बार और आएगी तो इकाई स्थान ही आएगा ना 4, और फिर ये संख्या एक बार आएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 16 सेकंड 96, इकाई स्थान पर 6 आंसर। वेरी सिंपल, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस इकाई स्थान के अंक का पता कर लेते हैं। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, इतना प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं ये आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक और लेते हैं 37148 37148, इसका पावर है 2537 4 6 2537 4 6, और इसको इसमें से घटाना है 3189 माइनस 3189। अब बताना है कि ये जो संख्या होगी इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा, वंस प्लस पे क्या आएगा, कौन सा अंक आएगा। चलिए ये 8, फिर वही 2 4 8 के कैटेगरी में तो इकाई स्थान पर 6 आएगा। कब? यदि ये 4 से डिविजिबल हो तब। 44 होता तो 11 बार में डिविजिबल होता ना, लेकिन दो बार और ज्यादा है 46 है, मतलब ये संख्या और दो बार गुना होगी तो ये 8 और फिर ये 8, इकाई अंक ही गुना कर दें क्योंकि गुना तो इकाई से ही होना है, तो क्या हो जाएगा 8 छक्का 48, फिर 8 आएगा 8 64 64, इकाई पर 4 है, आंसर 4 हो जाएगा। नहीं सॉरी 4 है। अब देखिए यहां तक 4 है इकाई स्थान पर, अगर मुझे घटाना है 9 तो इधर 14 में से 9 जाएगा 5, अभी फाइनल आंसर आपका 5 होगा। ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि यहां तक था हमारा आंसर ये 4, लेकिन ये घटाना भी तो है, तो यहां कोई भी संख्या होगी और इसमें से ये घटाएंगे तो 9 आएगा इकाई स्थान पर, तो इकाई को कैसे घटाएंगे, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो 14 होगा, 14 में से 9 जाएगा 5 होगा, मतलब इकाई स्थान पर 5 आएगा। तो इस तरीके से यदि इस तरीके से क्वेश्चन दे दे प्लस या माइनस करके मल्टीप्लाई करके तब भी हम आसानी से बना सकते हैं। और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है 39872, इतना बड़ा बड़ा देता है कि देख के घबरा दिएगा। 39872 3987 2 656 656, और उसका पावर देखिए कितना बड़ा पावर दिया है डराने के लिए, केवल डराने के लिए 37142 37142 9318 9318 541, इतना का ही पावर होता है। ये सब डराने के लिए है कि विद्यार्थी देख के डर जाए, जिसको ट्रिक नहीं मालूम होगा वो सही में डर जाएगा, नहीं बना पाएगा। और इसमें जोड़ दिया है एक नंबर को, एक नंबर इसमें जोड़ भी दिया है, क्या है 2714627146 89। अब पूछ रहा है कि ये जो संख्या होगी इसके इकाई स्थान पर क्या होगा। देखिए ये 6 है तो याद करिए 0156, पावर कुछ भी हो इकाई स्थान पर क्या आएगा वही रहेगा, 6 ही रहेगा। अब ये इसका इकाई स्थान पर 6 आ गया, यहां पर 9 है
तो 6, 9 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, मतलब इकाई के स्थान पर 5 आएगा, आपका आंसर कितना आसान है। देखने में कहिए बाप रे इतना बड़ा, फिर इतना जोड़िए, फिर इकाई निकालिए, कुछ नहीं, ट्रिक का इस्तेमाल करिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, आसानी से निकलेगा। कार्ड और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है 3 to the power 57 मल्टीप्लाइड बाई 4 to the power 65 है, मल्टीप्लाइड बाई 125 power 35 मल्टीप्लाइड बाई 89 power 13 और अब ये कह रहा है कि बताइए कि इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा। अब है ना थोड़ा सा ट्रिकी, कुछ नहीं, देखिए ये जो है 3 का पावर ये है, तो 3 किस कैटेगरी में है, जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में 379, उसके इकाई स्थान पर क्या आता है, 1 आता है, कब, जब उसका पावर 4 से डिविजिबल हो तब, तो ये 57 है ना, तो 56 होता तो 4 से होता, 14 56, लेकिन एक बार ज्यादा है तो 56 होता तो इकाई स्थान पर 1 आता, एक बार और ज्यादा है तो गुना 3 फिर एक बार होगा ना, तो गुना 3, तो 1 गुना 3 कितना होगा, 3 होगा। अब चलिए यहां तो 3 मान, यहां आइए 4, 248 की कैटेगरी में है, इसके इकाई स्थान पर क्या आता है, 6, कब, जब पावर 4 से डिविजिबल हो तब, तो 4 से ये 64 होता तो 16 बार में हो जाता, ठीक ना, तो एक बार ज्यादा है मतलब कि एक बार और 4 होगा, तो 16 का 24 मतलब इसके इकाई स्थान पर 4 आएगा, यहां 5 है इकाई स्थान पर, कुछ भी पावर हो इकाई स्थान पर हमेशा 5 आएगा, तो यहां से कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां हमेशा 5 आएगा। यहां देख लीजिए 9 है इकाई स्थान पर, तो 379 की डिग्री में है, इकाई स्थान पर 1 आएगा, कब, जब पावर 4 से डिविजिबल डिविजिबल होता, तो ये 13 है, 12 होता तो क्या होता, 1 आता, एक बार और ज्यादा है मतलब 1 into 9, तो इकाई स्थान पर यहां क्या आएगा, 9 आएगा। अब इनको गुना कर दीजिए, 3 × 4 × 5 × 9 क्या आएगा, देखिए ये 20 हो जाएगा, आइए 27 हो गया, 9 × 3 = 27 27 में से 20 करिएगा 540 इकाई स्थान पर जीरो जीरो, क्या दिक्कत है, ठीक ना, देख के घबराना नहीं है, बुद्धि लगाना है, निकाल लेना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, 1373 का पावर 36 है, 1373 का पावर 36 है, और इसमें घटा दिया गया है 1442 का पावर 30। चलिए करते हैं, इकाई स्थान पर क्या है, 3 है ना, 379 वंस प्लेस पे क्या है, इकाई स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा, कब, जब पावर डिविजिबल हो 4 से, तो ये 4 से है डिविजिबल मतलब इसके इसके इकाई स्थान पर 1 आएगा। अब माइनस यहां आ जाइए, ये इकाई स्थान पर 2 है, 2, 4, 8 की कैटेगरी में है, और इसके इकाई स्थान पर 6 आता है, कब, जब पावर 4 से डिविजिबल हो तब, तो ये 30 है, 28 होता तो 4 से डिविजिबल होता, ठीक ना, लेकिन दो बार और ज्यादा है तो इकाई स्थान को 2 और गुना कर लेंगे, तो गुना 2 6 × 2 = 12 12 × 2 = 24 इकाई स्थान पर 4 आएगा, और 1 में से 4 घटाएंगे तो इधर 11 हो जाएगा, कुछ भी तो यहां होगा ना, तो 11 में से 4 गया 7, मतलब आपका आंसर हो गया 7, इकाई स्थान पर कितना आएगा, 7 आएगा। इस तरीके से किसी भी इकाई स्थान निकालने वाले क्वेश्चन का आप कर सकते हैं, ठीक ना, आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का,
258 का पावर 100 है, 258 का पावर 100 है, प्लस है 547 का पावर 84। बहुत आसान है ये, 8 248 के डिग्री में है, इकाई स्थान पर 6 आएगा। कब? जब पावर 4 से डिविजिबल हो, तो ये है 4 से डिविजिबल, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 379 के डिग्री में है, इकाई स्थान पर क्या आएगा? 1 आएगा। कब? जब पावर 4 से डिविजिबल हो, ये 84 4 से डिविजिबल है 21 बार में, तो मतलब 1 आएगा। और 6 प्लस 1 देने कितना आएगा? 7 आएगा, मतलब इसके इकाई स्थान पर कितना आएगा? 7 आएगा। इतना आसानी से हम लोग इकाई स्थान वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस मैंने करवा दिए, इतना तो किसी ट्रिक पर मैं करवाता ही नहीं हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग हर एग्जाम में, जो लोअर लेवल एग्जाम्स हैं या मतलब हर एग्जाम्स में, खास करके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इतना प्रैक्टिस करवा दिया। अगला कुछ ट्रिक बता रहे हैं, नंबर सिस्टम महासागर है बच्चों, महासागर है, जितना पढ़िए उतना ही कम है, लेकिन ये बहुत काम करता है, ये सारी ट्रिक्स बहुत काम करते हैं, हर जगह काम करेंगे। अब मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ाया था, ज्योमेट्रिक सीरीज उसमें क्या था? स्क्वायर हो रहा था, दोगुना होता जा रहा था। तो ज्योमेट्रिक सीरीज के आधार पर कुछ क्वेश्चंस यहां दिए गए हैं, कैसे बुद्धि लगाएंगे देखिएगा। एक क्वेश्चन है, 4 का पावर 64 प्लस 4 का पावर 65 प्लस 4 का पावर 66 प्लस 4 का पावर 67। और इसके बारे में पूछा गया है कि यह किससे पूर्णतः विभाजित है। मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं, सुनिएगा वीडियो में। यह नंबर जो होगा, ये किससे पूर्णतः विभाजित है, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें क्या करेंगे, ये देख लीजिएगा, ये ज्योमेट्रिक सीरीज में है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, 4 आएगा, मतलब कॉमन रेशियो 4। छोड़िए उसको, यहां हम 4 का पावर 64 कॉमन ले लें, यहां क्या बच जाएगा? 1। यहां क्या बच जाएगा? 4। यहां क्या बच जाएगा? 4 का पावर 2। यहां क्या बच जाएगा? 4 का पावर 3। यही तो बचेगा, ये क्या हो जाएगा? 4 का पावर 64 इंटू, देखिए ये 64 और ये 16, 64 6 70 10 80 85। ये हो गया 85। अब ये संख्या, ये 4 के मल्टीपल में तो किसी से विभाज्य होगा ही होगा, क्योंकि 4 से भी होगा, 4 के पावर 2 से भी होगा, 4 के पावर 3 से भी, ये सब तो होगा ही। इसके साथ साथ ये 85 है ना, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी, 85 का फैक्टर देखिएगा 5 से होगी, फिर 17 से होगी, और फिर 85 से होगी। ऑप्शन में रहता है, ऑप्शन में ये वाला नहीं रहता है, इससे संबंधित वो विकल्प होता है ना ABCD, उसमें ये रहता है 5 से 17 से 85 से। अब जो तीनों से विभाजित है, ऑप्शन में जो होगा उसका आंसर मार दीजिएगा। तो ज्योमेट्रिक सीरीज पर आधारित ये प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, कोशिश मैं करूंगा कि इतना सारा ट्रिक्स, इतने सारे क्वेश्चंस करवा दूं कि आपके लिए आसान हो जाए। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 25 का पावर 12 प्लस 2 का पावर 12 एवं 27 का पावर 30 प्लस 3 का पावर 30 किससे विभाज्य है, मतलब ये भी और ये भी, ये किससे विभाज्य है, लिख देते हैं, किससे पूर्णतः विभाज्य है। देखिएगा, मैंने एक ट्रिक बताया था एक दिन कि यदि x के पावर n हो और प्लस a का पावर n हो, तो ये संख्या x प्लस a से विभाजित होती है, लेकिन कब? जब पावर हमारा ऑड हो तब, विषम हो तब। लेकिन यहां तो पावर सम दिख रहा है, सम, यहां भी सम,
और सम संख्याओं का हल तो निकलता ही नहीं है, उस तरीके से नहीं होगा। तब यहां एक तरीका हम अपनाएंगे, ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, यदि ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाए बाय द वे, ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं कि इनके बेस को जोड़ लेते हैं, यहां भी और यहां भी। तो इस नंबर का देखिए बेस जोड़िए, तो यहां 25 प्लस 2 कितना हुआ 27, यहां जोड़िए 27 प्लस 3 कितना हुआ 30। अब ये 27 और 30 का HCF निकाल लीजिए, HCF किसका, HCF ऑफ 27 एंड 30, और ये HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना, और ये 3 होगा, मतलब ये संख्या दोनों का दोनों 3 से पूर्णतः विभाजित है। ये ट्रिक है, बहुत बहुत शानदार। कुछ और क्वेश्चंस हम नोट करके लाए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रिक है कि यदि x का पावर 3n हो, मतलब पावर जो है 3 का मल्टीपल हो, 3 का गुणज हो, अब प्लस माइनस y जो है इसका भी पावर 3 का गुणज हो, तो यह नंबर जो है x पावर n प्लस माइनस y पावर n से पूर्णतः विभाजित होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी क्वेश्चन में पैटर्न ऐसा हो कि x कोई नंबर हो, उसका पावर 3 का मल्टीपल हो, प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस दोनों से मतलब कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और y कोई दूसरी संख्या हो, इसका भी पावर 3 का गुणज हो, ध्यान दीजिएगा, तो यह संख्या जो होगी ये x पावर n से और y पावर n से प्लस माइनस, यहां भी यहां प्लस रहेगा तो यहां प्लस होगा, यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस होगा, इससे पूर्णतः विभाज्य होगी। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आया है इस पर आधारित, इसलिए मैंने इसको बताया। क्वेश्चन क्या था, 2 पावर 96 प्लस 1 किससे पूर्णतः विभाज्य है, अब देखिएगा इस ट्रिक पर आधारित है। तो क्या करेंगे हम, 96 को 3 के गुणज के रूप में लेते हैं, तो देख सकते हैं 2 का पावर 96 बराबर 2 का पावर 3 इंटू 32 कर सकते हैं, 3 6 9 इतना, और 1 का पावर तो हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं, 1 बराबर 1 का पावर 3 इंटू 32 कर सकते हैं, जितना चाहे उतना करें, बात तो बराबर है। अब देखिए इस नंबर का, ये जो नंबर है ये वाला, इसका पैटर्न क्या हम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 32 प्लस 1 का पावर 3 इंटू 32। तो अब देखिए ये हमारा नंबर मिल गया पैटर्न में, तो 3 का मल्टीपल हो गया ना, ये 3 के साथ है तो 3 के साथ मल्टीपल हो गया 3 का, मतलब ये नंबर 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 32 प्लस 1 का पावर 32 मतलब इससे पूर्णतः विभाजित होगी, और ये ऑप्शन में था, ठीक ना। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों में इस ट्रिक का यूज करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि 2 का पावर 32 प्लस 1 से यह पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक ना। एक और क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज पर है, इसीलिए मैंने सीरीज पढ़ा दिया था, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ n इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 का पावर 3 प्लस .. 2 का पावर 40, तो आपको बताना ये था, देन
व्हाट विल बी द रिमेंडर इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। ये क्वेश्चन हमको इंग्लिश में मिला था, हम हिंदी बता रहे हैं। है कि n कोई संख्या है, मतलब इसको n मान लिया गया है, n बराबर इतना है, कोई संख्या है 1 + 2 + 2² + 2² + 2² + 2 = 4 + 2 = 5, ऐसे करते करते +2 = 40 तक है। और आपको बताना है कि इस संख्या को, इसका जो सम आएगा इस सीरीज का, यदि 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। तो देखिएगा, अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है। देखिए 2 by 1 2, 4/2 2, 8/4 2, कहीं भी रेशियो सेम मिल रहा है ना, तो ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया ना। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कर दे रहे हैं। यहां a इक्वल टू कितना है, 1 है, और r इक्वल टू कितना है, 2 है, और n नंबर कितना है, ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बहुत बारीकी है कि टोटल टर्म्स कितने हैं। यहां देखिएगा 2 से शुरुआत हो रही है, 2 का पावर 1 2 3, 40 तक, तो ये यहां तक 40 हुआ, और 1 भी तो है, तो टोटल टर्म हमारा 41 होगा, 40 + 1 = 41। यहीं पे आप चुक कर जाते हैं, तो 41 होगा। अब जब ये मालूम चल गया तो सम तो आपको मालूम है कि जब r बड़ा हो 1 से तो सम क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कितना होता है, a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। चलिए तो कितना हो जाएगा, ये a 1 है और 1 से मल्टीप्लाई को कोई फर्क पड़ता नहीं है, r है 2 2, और 2 का पावर n मतलब 41 और माइनस 1, ठीक ना, और r 2 - 1 1, तो 1 से भाग में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब ये नंबर इतना आ जाएगा। इसका सम कितना होगा, 2 का पावर 41 - 1। अब चलिए इसमें थोड़ा और बुद्धि लगा रहे हैं, याद रखिएगा, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, हमारा सम कितना आया, 2 का पावर 41 - 1, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो ट्रिक बताए थे उस पर कहां से कैसे ले जाते हैं, मिटाते हैं इसको। जो सीरीज था उसका सम कितना आया, 2 का पावर 41 - 1, और आपको भाग देना है इसमें 9 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये निकालना है। तो इसके पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा चुका हूं कि ये 9 है तो या तो इसको 10 बनाओ या 8 बनाओ तभी तो होगा ना, दो कंडीशन मैंने बताया था कि x पावर n में भाग देंगे या तो x माइनस 1 से या x प्लस 1 से, तो ये 10 तो बनेगा नहीं, 8 बन सकता है यदि 2 का पावर 3 हो जाए। तो देखिए 2 का पावर 41 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, इसका पावर 13, देखिए 13 × 3 = 39, 2 बच गया, 2 का पावर 2 = 4, इतना ले सकते हैं। और अब तो ये हो गया ना, ये 8 का पावर 13 × 4, ये -1, इसमें आपको भाग देना है 9 से, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये 8 है, ये 9 है, ज्यादा है तो ज्यादा है तो क्या देखेंगे, पावर, पावर देखेंगे, और पावर क्या है, विषम है, मतलब ऑड है, तो क्या हो जाएगा, ये बेस ही रिमाइंडर हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहां 8 हो गया, और इसमें 4 से गुना है और -1 है, तो 8 × 4 - 1 = 31। अब 31 में आप 9 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 9 × 3 = 27 और 27 = 4 = 31/9, क्या शेष बचा, 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक ना। तो इस तरीके से
हम लोग ट्रिकी क्वेश्चंस को कुछ करेंगे अगले वीडियो में, कुछ और ट्रिक्स लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।